हेलो डिवाइन फेमिनाइंस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं करंट चैनलिंग करने जा रही हूँ, ठीक है। करंट चैनलिंग में मैं कवर करूँगी कल का डे भी, क्योंकि कल बहुत मतलब देर से मुझे चैनलिंग करनी थी बट नहीं हो पाई। वो नाइट में मुझे और भी कुछ चीज़ें जैसे थी वो करनी थी, घर के काम निपटाने थे, तो वो सब चीज़ें थी क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग बाहर जाने वाले थे, इसलिए है ना। तो चलिए अभी मैं करंट चैनलिंग करने जा रही हूँ आज। कल अगर मैं शाम की बात करूँ डीएफ्स की एनर्जी की, तो बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे थे वो, जैसे पता नहीं उनका क्या खो गया हो। और अगर सुबह से मैं मॉर्निंग से बात करूँ तो लो एनर्जी उनकी 8 साढ़े 8 बजे से थी, और वो कम से कम उनकी एनर्जी जो लो एनर्जी रही है वो 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे तक रात के कल रही है। किसी किसी की उससे ज़्यादा भी टाइमिंग, मैं टाइमिंग आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि टाइमिंग का मेरे हिसाब से जो अभी कंफर्म मेरा इंट्यूशन कह रहा है वो यही है कि 9 साढ़े 9 बजे तक रात की ये लो एनर्जी रही थी। बहुत ज़्यादा डाउन फीलिंग, एक्स्ट्रा पर्जिंग, मीन ओवर पर्जिंग करने का मन कर रहा था, जैसे होता है ना हमेशा पर्ज करने का मन करता है, वो सारी चीज़ रहती है। लेकिन कल क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही थी, दिन से ही हेडेक, क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, ठीक है। आप अगर सैक्रल चक्र की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी फील कर रहा था, साथ में हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था आपका, ठीक है। और अगर थर्ड आई की बात करें तो आप ये मान लीजिए प्रॉपर इल्यूजन में खोए हुए थे, आप रियलिटी को देख ही नहीं पा रहे थे, वो चीज़ हो रही थी, ठीक है। तो वो सब बहुत ज़्यादा ही, मतलब जिसको कह सकते हो आप, मैं इसको ख़तरनाक भी नहीं कहूँगी पर मैं कहूँगी ठीक था, क्योंकि आपको जैसा कि मैं बता दूं, 7th पोर्टल का जो टाइमिंग था वो जा चुका है, ठीक है। अब आप 8th पोर्टल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये वो टाइमिंग स्टार्ट हुआ है। तो जैसे जैसे 8th पोर्टल आएगा आपके लिए चीज़ें ओपन होना शुरू हो जाएंगी। वहीं अगर मैं बात करूं अभी क्या चल रहा है, ठीक है, 21 के जाने के बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग हो गई हैं। 21 में मैंने बताया था कुछ लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होने वाली है, कुछ लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें थोड़ी अलग होने वाली है। क्यों? क्योंकि जैसा आपने मैनिफेस्ट किया, जैसा आपने काम किया, जैसा आपने वर्क किया, आपके वर्क के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा, वो चीज़ रहेगी। तो अभी जो डीएफ की एनर्जी चल रही, करेंट एनर्जी, अभी की एनर्जी उसकी ना तो मैं ओवर हाई एनर्जी कहूँगी, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा हाई पीक पे एकदम हाई एनर्जी है, वो भी नहीं है, और ना ही मैं ये कहूँगी कि कल जैसी बहुत ज़्यादा लो एनर्जी है, ठीक है, एकदम कहते हैं ना बीच की एनर्जी है। मे भी मुझे जैसा लग रहा है कि दिन आते आते तक उसकी जो एनर्जी है डीएफ एनर्जी वो बहुत हाई हो जाएगी। मीन हाई मतलब ये कह लो, मेरा हाई से मतलब होता है, हाई एनर्जी से मतलब अपने सेल्फ में रहना और हैप्पी रहना, वो चीज़। तो वो एनर्जी 12 बजे के बाद से हो जाएगी और आराम से वो इतने अच्छे से स्मूथली वर्क करेगी कि आप देख पाओगे कि कल का जो दिन था आपका कितना वेस्ट गया है। मीन वेस्ट मीन आप ये कह सकते हो बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं था, ठीक है, खुद के लिए भी कुछ नहीं किया और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपका करने का मन ही नहीं हुआ, वो चीज़ रही, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो डीएफ की एनर्जी है, आज की जो एनर्जी है, आज सिर्फ क्राउन चक्रा काफ़ी हैवी हो रखा है, ठीक है, हार्ट चक्रा हल्का सा, मतलब पेन तो नहीं कहूँगी, थोड़ा हैवीनेस है बस, ठीक है। सैक्रल सोलर उतना ज़्यादा परेशान आपको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और रूट चक्रा की अगर मैं बात करूँ तो रूट चक्रा भी काफ़ी हद तक जो लोग हैं, जो ट्विन फ्लेम्स हैं, जो डीएफ्स एनर्जी है, स्पेशली डीएफ एनर्जी, उनको उतना ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है। अगर मैं डीएफ की बात करूँ तो उसने जो एक चीज़ और है जो अभी पाई है, उस मैसेज का मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी, क्योंकि वो मैसेज थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, उसके लिए एक स्पेशल अलग से वीडियो बने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको क्लियर हो जाएगा उससे, ठीक है। तो अभी बस ये जो है कि डीएम डीएफ की एनर्जी जो है वो कुछ इस तरीके की है कि यहाँ पे जो डीएम एनर्जी है अभी वो एकदम बोलते हैं ना, वो भी कल मैंने आपको बताया जो डीएफ साइड होता है, डीएफ का नेक्स्ट साइड जो होता है वो डीएम का होता है, ठीक है, वो चाहे इनर लेवल पे हो चाहे वो आउटर लेवल पे हो। आप अगर आउटर लेवल पे डीएम का साइड देख रहे हो तो अपने अपोजिट वाला साइड देखो, और इनर लेवल पे डीएम का साइड देख रहे हो तो अपने अपोजिट वाला साइड देखो, क्योंकि हमेशा जो आपके अगला साइड होता है वो आपके डीएम का होता है, चाहे इनर चाहे आउटर, ठीक है, सोल लेवल पे कह लो चाहे सरफेस पे कह लो, वो चीज़ है।
तो यहाँ जो कल की डीएम की एनर्जी थी वो कुछ आप ये कह सकते हो शेकी शेकी एनर्जी थी। मीन सोना चाहते थे, रेस्ट करना चाहते थे, पर वो रेस्ट भी नहीं कर पाए, पता नहीं क्यों। मतलब टाइम भी था, सारी कुछ चीज़ें थी, पर वो एक होता है ना, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, पर वो जो रेस्ट है ना वो नहीं मिल पा रहा है। पता नहीं ऐसा लग रहा है अंदर से कुछ हैवी हैवी फील हो रहा है, हार्ट चक्रा से, क्राउन चक्रा से, मतलब सारे वो चक्रास जो जिन जिन पे आपके इम्पैक्ट पड़ रहा है वही सेम आपको लगेगा, आपको पता चलेगा कि वो आपके डीएम के साथ वो चीज़ें हो रही हैं। हो मीन ये नहीं कि लो हो गए हैं, वो लो एनर्जी में थे, नहीं, पर उनका ऐसी एनर्जी हो रखी है जैसे उनका कुछ खो गया हो। ठीक है, आपका तो क्या है, आपकी एनर्जी ही लो हो रखी थी कल बहुत ज़्यादा मॉर्निंग से ही, पर उनका ऐसा था कि कहीं ट्रिगर्ड सिचुएशन हुई है सुबह सुबह, और उसके बाद से सारी चीज़ें एकदम बोलते हैं ना शेकी शेकी एनर्जी रही, कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाया। ठीक है, तो अगर मैं उनकी एनर्जी की बात करूँ तो रात 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद क्यों कहूँ मैं, 8 बजे के बाद, रात 8 बजे के बाद उनकी एनर्जी भी थोड़ा 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 एकदम बोलते हैं ट्रैक पे आना शुरू हुई है। अब मैं इन दोनों की एनर्जी की एक चीज़ और आप लोगों को बता देती हूँ, डीएम डीएफ एनर्जी की जो अभी चल रही है। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ आपको कलेक्टिव एनर्जी। ठीक है, क्योंकि डीएम डीएफ की जो ये एनर्जी चल रही है मोस्टली रियूनियन वालों से भी कनेक्ट होगी, मोस्टली जिनके रियूनियन नहीं हुए उनसे भी कनेक्ट होगी, मोस्टली काफ़ी लोगों से रेजोनेट नहीं भी होगी वो चीज़ होगी। तो ये एनर्जी ज़रूरी नहीं है आप सबसे रेजोनेट हो, पर जिनसे रेजोनेट हो रही है ये मैसेज स्पेशली उनके लिए कि अभी सिचुएशन को फ्लो में रहने दीजिए। ठीक है, जो भी होता है ना उसको, एक तो बोलते हैं ना हम दिल पे बहुत जल्दी लेते हैं, हार्ट पे लेना बंद कीजिए, क्योंकि आपका जो हार्ट चक्र है ऑलरेडी बहुत सारी सिचुएशंस को वो हील करता रहता है। ठीक है, कभी कुछ चलता रहता है, उसके बाद आप ऊपर से इतनी सारी चीज़ें अपने ऊपर डाल लेंगे तो फिर वो एक होता है ना प्रेशर में आ जाएगा और आप लाइफ का कोई भी टास्क अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ होगी। और यही नहीं, साथ में आपका कुछ भी अगर लॉस होता है इधर, मीन आपकी एनर्जी लॉस होता है या आपकी एनर्जी डाउन फील करती है, तो उधर डीएम की एनर्जी अपने आप मिरर करेगी। ये 7th पोर्टल अभी एंड होने में टाइम है, 31 को एंड होगा, पर 8th की स्टार्टिंग हो चुकी है। ठीक है, आप 7th और 8th के बीच में हो अभी जो ट्रेवल कर रहे हो, तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो बस मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि डीएम पार्ट को भी समय दीजिए, और समय मतलब ये कि उनको खुद को समझने को समय दीजिए, और डीएफ पार्ट से भी मैं यही कहूँगी कि आप खुद पे काम कीजिए, क्योंकि आप खुद पे करेंगे, आप खुद पे फोकस्ड रहेंगी तो अपना जो डीएम पार्ट है वो अपने आप फोकस्ड हो जाएगा आपका। तो जब वो फोकस्ड होगा वो अपने सारे काम अच्छे से कर पाते हैं डीएम लोग, सारे काम मतलब जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी उनके कारमाज है, तो फिर उसके बाद जो उनकी एनर्जी होती है एक हायर लेवल पे होती है, एक पीक लेवल पे होती है, और उसके बाद उनको एक होता है ना कि उनकी डीएफ का साइड नज़र आता है कि नहीं इनकी डीएफ है ऐसे ऐसे, वो तब देख पाते हैं। अदरवाइज कभी भी नोटिस करना, आप हमेशा उलझा हुआ पाओगे जब भी कार्मिक्स या कर्मा के बीच डीएम फंसे हों, और आप अपने बारे में या अपने मैसेजेस, कॉल या मतलब कुछ भी कांटेक्ट, और या फिर जो भी लड़ाई झगड़े हैं जिन भी चीज़ों पे आप बात करोगे, वहाँ पे इशू ज़रा सा होगा पर क्रिएट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चाहे वो डीएम की साइड से हो चाहे आपकी साइड से हो, क्रिएट बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ आना चाहिए जो डीएम साइड है वो सारा की सारा कर्मा पैटर्न लिए हुए है। ठीक है, सारा की सारा कर्मा का पूरा जो एक भार होता है ना वो उन्होंने ले रखा है अपने ऊपर। तो आपकी सोल में ना बस यही चीज़ें बटी हुई हैं। यहाँ पे क्या है, आपको समझ के चलना है, आपको अंडरस्टैंड करके चलना है, आपको फीलिंग्स और आपको हार्ट चक्र मतलब क्यों दिया गया है, इतना ज़्यादा अच्छे से वर्क क्यों करता है आपका, उनका नहीं करता, उनका क्राउन चक्र वर्क करता है उतना अच्छे से। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को समझ सकते हो, आप चीज़ों को टैकल कर सकते हो। कभी भी देखिएगा आपकी दोनों की चीज़ें खराब होंगी तो डीएम साइड से बस यही कहा जाएगा कि तुम शायद से सही कर सकती थी, मतलब वो उनकी साइड से यही होगा। वो कभी भी, उनको ऐसा नहीं है कि खुद की गलतियाँ या किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होता, खुद की जो भी मतलब चीज़ें होती है या खुद की साइड से जो भी वो एक्शन रिएक्शन करते हैं उसका एहसास नहीं होता, पर हाँ उनकी साइड से ये भी होता है कि तुम सही कर सकती थी अगर तुम चाहती तो, तुम कर सकते थे सही अगर तुम चाहते तो। वो डीएफ साइड हमेशा सुनती है ये वाली चीज़। क्यों? क्योंकि उनको भी इंटरनली क्लियर है कि जो डीएफ साइड है वो जब चाहे ना डीएम साइड को भी हैंडल कर सकती है और डीएफ साइड को भी हैंडल कर सकती है। तो वो जो एक होता है ना बैकबोन कह सकते हो, उसका काम डीएफ साइड करती है। ठीक है, दोनों चीज़ों को, कर्मा को
और स्पिरिचुअल टास्क को और खुद पे काम करना, सेल्फ सेंटर्ड रहना, इन सब को बैलेंस करके डीएफ आगे ले जा सकती है चीज़ों को, इस जर्नी को, वो चीज़ है। तो ज़्यादातर टाइम पे डीएम ही इनडायरेक्टली आपको ये मैसेज दे ही देते हैं कि बोल देते हैं, झगड़े में भी, चाहे आप नॉर्मली कॉन्टैक्ट में हो या ना हो, या फिर किसी भी सिचुएशन को आपको बोल ही देंगे कि सब कुछ आपके हाथ में था। तो फिर जब आप खुद को ना उस टाइम पे अगर ये फील करते हो कि सारा ब्लेम मेरे पे डाल दिया, तो वहाँ पे क्या है, आप फिर से एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये फील करते हो कि आप वापस से देखो फ्लैशबैक में कि हाँ कहाँ से चीज़ें ऐसी वैसी हुई हैं, तो शायद से आपको चीज़ें समझ आएंगी कि जो आपके डीएम कह रहे थे वो एकदम सही थे। आपके पास एक ऑप्शन था चूज़ करने का, क्या वो चूज़ कर सको साइड, लेकिन आपने वो चूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से ये सिचुएशन खड़ी हो गई। मे बी शायद से मैंने आपको इनडायरेक्टली वो मैसेज दे दिया होगा, जो कि डीएम डीएफ के बीच अगर वो कल वाली सिचुएशन रही है तो वो क्यों रही है। डीएम भी लो सिचुएशन फील कर रहे थे और डीएफ भी लो सिचुएशन फील कर रही थी। बस ये है कि डीएफ जब है लो सिचुएशन फील करती है तो डीएम अपने आप चले जाते हैं लो सिचुएशन में, पर डीएफ का जो साइड होता है ना लो सिचुएशन में जाने का, वो ओवर होता है, वो ओवर डीप में चली जाती है। एंड फ्लैशबैक सिचुएशन सोच सोच के अपना जो एक होता है ना, सारी की सारी हीलिंग ख़त्म, सारी एनर्जी सक कर देती है, मतलब सब खत्म, खुद ही कर लेती है वो चीज़ कर लेती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब इस मैसेज को बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा मैं किस बात को आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि अपने डीएम के कभी कभी वो जो एक डिवाइनल मैसेज आपको इनडायरेक्टली दे देते हैं ना, उसको समझने की कोशिश कीजिए, ताकि चीज़ें आने वाले फ्यूचर में या जो भी अगला स्टेप हो या अगली सिचुएशन हो उसमें सही हो सके। ठीक है, तो ये था डीएम डीएफ का कलेक्टिव मैसेज, ये सिर्फ कलेक्टिव था। ठीक है, बाकी कुछ जो डीएम डीएफ की एनर्जी है उनके ऊपर अगर मैं नेक्स्ट एनर्जी मैसेज दूंगी तब बताऊंगी, क्योंकि बाकी जो कुछ डीएम डीएफ की एनर्जी है वो लास्ट मैंने जो एनर्जी अपडेट दिया था उससे ही मैच खा रही है पूरी की पूरी, तो उसमें कोई भी चेंज अभी तक नहीं आया है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं 21 के उसमें ही हैं अभी भी। ठीक है, तो बस ऐसा है, ध्यान रखिए आप लोग अपना। और मैं एक चीज़ और बता देती हूँ अभी, लेकिन एक चीज़ अच्छी हो रही है, डीएम जितनी जल्दी हर्मिट मोड में जा रहे हैं वापस से वापस भी आ रहे हैं। ठीक है, और दोनों की एनर्जी स्विच भी बहुत जल्दी हो रही है, यहीं पे जहाँ कल एनर्जी लो हुई है डीएम डीएफ की, वहीं पे मैं बात कर रही हूँ कि वो वापस से एनर्जी स्विच हो रही है। कभी डीएम डीएफ की तरह बिहेव कर रहे हैं, कभी डीएफ डीएम की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपनी एनर्जी को पहचानने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पे हो और आपको जो किरदार जिस वक्त दिया गया है बस उस वक्त अपने किरदार को अच्छे से निभाएं, मेनली वही है, वही सब कुछ है, बस ये समझ के अपनी चीज़ों को अच्छे से करिए। ठीक है, और कहते हैं कि भगवान शिव उन्हीं के साथ होते हैं जिनका विश्वास खुद पर होता है, क्योंकि अगर हमारा विश्वास खुद पर होता है तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हम मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो शिवाय का साइड होता है ना वो हमारा ही साइड होता है, वो हमारे साथ खड़े होते हैं। अगर हम गलत सोचेंगे तो वो गलत चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, और अच्छी चीज़ें सोचेंगे तो अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे। तो ध्यान रखिए आप लोग अपना। ठीक है, खुश रहिए, टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं।